Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind. In this video, we will start the Silurian period. तो मैंने Precambrian, Ordovician और Cambrian की videos बना ली हैं. अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हो. मैं video के end में आपको link दे दूंगा. और please, अगर आपको ये video अच्छी लगती है तो यार subscribe करो, share करो, comment करो. क्योंकि आपके comment करने से, subscribe करने से, share करने से एक motivation मिलता है. क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है यार इस डेटा को बनाने में, डिफरेंट टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेने में, ठीक है, साथ ही साथ डिफरेंट वेबसाइट से एक डेटा लेने में, तो एक मोटिवेशन जरूर मिलता है. तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पेलियो क्लाइमेट जो था वो वार्म था, 18 to 20 डिग्री सेल्सियस था. बाय द वे, मैंने पिछले वीडियो में अकेडियन, कैलेडोन, ओरोजनी वगैरह ये सब डिस्कस कर लिए. तो पिछली वीडियो को, जो पार्ट वन वीडियो है, उसको देखना ना भूलें. तो फिर हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो टेम्परेचर जो था 18 to 20 डिग्री सेल्सियस था, ऑक्सीजन 14% थी और CO2 4400 ppm थी, यानी कि काफ़ी हाई थी आज के मुकाबले. तो अगर आप आज को देखेंगे तो आज लगभग 407 ppm है, ठीक है, CO2 आज, और उस जमाने में 4400 है, तो काफ़ी हाई थी. और ये रीज़न एक हो सकता है कि जो टेम्परेचर था वो काफ़ी वार्म था, ठीक है. तो एक अच्छा चार्ट है एटमोस्फेरिक CO2 का, जो ब्लैक लाइंस में दिखा रहे हैं और ब्लू लाइन में दिखा रही है अपना एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. तो सिल्यूरियन की बात करें, ठीक है, तो यू कैन सी 4000 ppm इज द एवरेज 4000 के आसपास, और अपना टेम्परेचर जो है वो 18 to 20 डिग्री सेल्सियस है यहाँ, ठीक है. और ओडोविशन में आप देख सकते हो, मैंने पिछले डिस्कस किया था कि जो ग्लेशिएशन इवेंट हुआ था, जिसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन भी हुआ था पहला, तो वो यहाँ सिट कर रहा है, तो काफ़ी लो टेम्परेचर हो गया था, ठीक है. नाउ प्रेजेंट डे फिजिकल इन्वायरमेंट से सिल्यूरियन इन्वायरमेंट कैसे डिस्टिंग्विश करता है. मेन डिस्टिंग्विशन ये है कि लो कॉन्टिनेंटल एलिवेशन था और ग्लोबल जो हायर ग्लोबल स्टैंड था सी लेवल का, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है, हाई ग्लोबल स्टैंड का इसका मतलब ये होता है कि सी लेवल जो था सिंपली काफ़ी हाई था. तो आपने सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी अगर पढ़ी होगी तो उसमें कुछ ऐसे होता है जिसमें ये टॉप पोर्शन जो होता है वो हाई स्टैंड कहलाता है और ये वाला रीजन लो स्टैंड कहलाता है. तो इसका मतलब क्या है कि सिंपली ये है कि मोटा मोटा कि सी लेवल राइज हो रखा है और यहाँ सी लेवल लो हो रखा है, ठीक है. तो हमने हाई स्टैंड काफ़ी है इस सिल्यूरियन पीरियड में, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और चीज़ें क्या क्या थी. तो सी लेवल रोज फ्रॉम हिरनाटियन लो. हिरनाटियन अपना ओडोविशन की अपर स्टेज है, ठीक है, जो बाउंड्री मार्क करती है ओडोविशन और सिल्यूरियन में, ठीक है. तो वहाँ से लो हो गया था और सिल्यूरियन में फिर फर्स्ट हाफ ऑफ द सिल्यूरियन में हाई हो गया था. सी लेवल रोज फ्रॉम द हिनाटियन लो थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द सिल्यूरियन, ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली फेल थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द पीरियड, ठीक है, ऑल दो स्मॉलर स्केल पैटर्न. तो हम ये देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि सी लेवल जो था वो जनरली हाई था उस समय, ठीक है. तो हाईएस्ट सिल्यूरियन सी लेवल वॉज प्रोबेबली अराउंड 140 मीटर हायर देन द लोवेस्ट लेवल रीच्ड 171 मीटर, ठीक है. और अर्थ एंटर्ड अ लॉन्ग वार्म ग्रीन हाउस फेज. तो क्योंकि CO2 काफी हाई थी तो ग्रीन हाउस फेज में पहुंच चुकी थी अर्थ. एंड सो लेटर इन द सिल्यूरियन द क्लाइमेट कूल्ड स्लाइटली बट क्लोजर टू द सिल्यूरियन डिवोनियन बाउंड्री द क्लाइमेट बिकेम वार्मर अगेन, ठीक है. तो एंड सिल्यूरियन में थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट क्या है कूल होने लग गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर दोबारा सिल्यूरियन डिवोनियन में वापस टेम्परेचर जो है वो आगे बढ़ गए थे, ठीक है, ऊपर हो गया था. और लेयर ऑफ ब्रोकन शेल कॉल्ड कोकीन, आपको कोकीन आप जानते हो, एक लाइमस्टोन टाइप की रॉक होती है लेकिन उसमें ब्रोकन शेल्स होते हैं. तो वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि क्लाइमेट डोमिनेटेड बाई वायलेंट स्टॉर्म्स जनरेटेड देन एज नाउ बाई वार्म सी सर्फेसिस, ठीक है. तो वायलेंट स्टॉर्म वगैरह काफी थे उस समय और ऊपर से ग्लेशियर जो थे वो साउथ पोल में, मतलब ऑर्डोविशन में आपने देखा था कि
ग्लेशिएशन काफी हाई हुआ था, लेकिन यहाँ ग्लेशिएशन जो था वो बहुत ही लो था, ठीक है। तो दे ऑलमोस्ट डिसअपेयर्ड इन द मोस्ट मिडिल ऑफ द सिलूरियन। अब कुछ डिपॉजिट की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एक्सक्लूडिंग पीट एंड कोल तो था ही, क्योंकि अर्ली वेस्कुलर लैंड प्लांट भी आ चुके थे, उसके वजह से पीट एंड कोल डिपॉजिट्स सिल्वरियन टाइम के पाए गए। साथ ही साथ लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, और इवेपोराइट्स हो गया, क्योंकि सी लेवल रोज कर गया था, तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो शेलो सी से भर गए थे, ठीक है। तो इवेपोराइट्स हो गए अपने, फिर टेलाइट्स हो गया, टेलाइट्स ओडोविशन टेलाइट्स हैं, ठीक है, मोस्टली जो हैं, और क्योंकि वार्म एरिड क्लाइमेट था, ठीक, तो इसलिए वेपोराइट्स का डिपोजिशन काफी हुआ था यहाँ पे। तो फिर इस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करें, जो मोस्ट नोटेबल रिसोर्स है सिलूरियन स्ट्रेटा में पाया गया है, तो लगभग वर्ल्ड का 9% जो रिजर्व है वो सिलूरियन रॉक का है, ठीक है, सिलूरियन स्ट्रेटा का है। वहीं सऊदी अरेबिया जो कंपाइल करता है वो 74% ऑफ सिलूरियन रॉक, ठीक है, जो ऑयल है सऊदी अरेबिया में, उसका 74% जो है वो सिल्यूरियन रॉक से आता है, ठीक है, इसका आपको इतना याद रखना है। फिर सिल्यूरियन लाइफ की बात करें, तो मल्टी सेलुलर लाइफ बिगेन टू अपेयर ऑन द लैंड, ठीक है, लाइफ लैंड में मल्टी सेलुलर लाइफ, जैसे कि वेस्कुलर प्लांट आने लग गए थे, ब्रायोफाइट टाइप के प्लांट, ठीक है, वेस्कुलर प्लांट आने लग गए थे, जैसे कि कुकसोनिया हो गया, ठीक है। वहीं आर्थ्रोपॉड्स जो है फर्स्ट एनिमल फाउंड ऑन लैंड ड्यूरिंग सिलूरियन, तो एक मिलीपीड टाइप का ऑर्गेनिज्म लैंड में आने लग गया था, ठीक है, जो एक आर्थ्रोपॉड था। वहीं शार्क्स के जो प्रिमिटिव शार्क्स थी वो आने लगी थी, और बोनी शार्क बोनी फिशेस भी आने लगी थी। तो शार्क जो होती है वो कार्टिलेज फिश होती है, और बोनी फिश नहीं होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है। तो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो था सिलूरियन में वो था वेस्कुलर प्लांट्स का आना, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बोनी फिशेज, ठीक है, और आर्थ्रोपोड्स का लैंड में आना, ठीक है, और अदर जो थे वो, तो लेट ऑर्डोविशन में हमने देखा था कि एक्सटिंक्शन भी हुआ था, तो उसमें जो कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो गई थी, लेकिन कुछ सर्वाइवड भी थी, जैसे कि नॉटिलॉइड्स, ब्रैकियोपॉड्स, ब्रायोजोआ, ठीक है, क्रिनॉइड्स, और एक इम्पोर्टेंट जो ब्रैकियोपॉड था वो था पेंटामरस, काफी बड़ा था, जैसे कि इसमें देख रहे हैं ये, तो पेंटामरस के आसपास कुछ और स्पीशीज भी रहती थी, तो उसको पेंटामरस कम्युनिटी नाम दिया गया है पेरेंटोलॉजिस्ट ने। तो आप देख सकते हो कि और क्या है, हेलसाइट्स निंडारिया, ठीक है, ये हो गया। वहीं ब्रायोजो हो गया अपना ही, ये कोरल टाइप का होता है ब्रायोजो, कोरल नहीं होता लेकिन कोरल जैसा होता है ब्रायोजो, ठीक है, तो कुछ ऐसा है। तो पेंटामरस कम्युनिटी वॉज एन अर्ली सिलूरियन कम्युनिटी डोमिनेटेड बाई लार्ज शेल ब्रैकियोपॉड, इनको लैम्प शेल भी बोलते हैं, ऑफ द स्पीसीज पेंटामरस ऑब्लंगस, ठीक है। फिर आर्थ्रोपॉड की बात करें, जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि पहला मिलीपीड जैसा ऑर्गेनिज्म आया था, तो वो था न्यूमोडेस्मस, तो कुछ ऐसा दिखता था। फर्स्ट मिरियापॉड एंड द ओल्डेस्ट नॉन क्रीचर टू हैव लिव्ड ऑन लैंड एंड अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड आर्थ्रोपॉड विद ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो पहले ऑर्थोपोड जो थे वो मरीन थे, लेकिन ये पहला लैंड में आया था, तो इसने अपना ट्रैकियल सिस्टम डेवलप कर दिया था, जैसे कि सांस लेने का, ठीक है, जितने हम ऑर्गेनिज्म हैं जो लैंड में रहते हैं उनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, जो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है एंड CO2 बाहर छोड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट नोन ऑक्सीजन ब्रीदिंग एनिमल ऑन लैंड। फिर इसको सी स्कॉर्पियन की बात करें, तो हमने देखा था कि ओडोविशन में तो सी स्कॉर्पियन आए थे, लेकिन अपने सिलूरियन में इनकी डाइवर्सिफिकेशन होने लग गई थी, ठीक है। तो जो प्रेजेंट प्रेजेंट डे हॉर्स शू क्रैब्स हैं, ठीक है, ये इनके रिलेटिव्स हैं, तो आप यूरेट पेरेट्स या सी स्कॉर्पियन को हॉर्स शू क्रैब का एंसेस्टर मान सकते हो, ठीक है। सो वन ऑफ द सी स्कॉर्पियन ऑफ द सिल्यूरियन ग्रू टू बी 10 फीट लॉन्ग, तो काफी बड़े हो चुके थे, डाइवर्सिफिकेशन आ चुकी थी। तो यूरेट पेरेट्स जो है एक क्लासिकल एग्जाम्पल है सिल्यूरियन पीरियड का, ठीक है, जहाँ इनकी डाइवर्सिफिकेशन हुई थी। तो ये कुछ स्पीशीज हैं जिनमें वन ऑफ द बिगेस्ट स्पीशीज इज यूकलोरेप्टस, ठीक है, 2 मीटर से भी ज्यादा बड़ा था, तो ऐसा कुछ दिखते थे। फिर आ चुके थे कोरल्स, कोरल्स पहले आ चुके थे, लेकिन यहाँ पे कोरल्स ने फिर रीफ बनाना शुरू किया है, कॉलोनीज में रहने लग गए थे, ठीक है।
तो टैबुलाटा रिगोसा ये दो फेमस कोरल्स हैं, इन्होंने रीफ बनाना शुरू किया था। तो अब ये देख सकते हो एज इज 488, तो पहले आ चुके थे लेकिन यहाँ इन्होंने रीफ बनाना शुरू किया। फिर फिश जो थी सिल्वरन में, फिशेस की भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होने लगी थी। तो दीज वर सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विद अ सॉफ्ट कार्टिलेज बैकबोन्स। तो वर्टिब्रेट्स जो होती हैं जिनके बैकबोन होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो जो फिशेस थी वो उन्होंने प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं इनको। तो जो प्लैकोडर्म्स थे वो प्रिमिटिव जॉड फिशेस थी। तो इनकी जो जॉ थे वो बोनी टाइप के जो कार्टिलेज होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उनसे बनी हुई थी। तो एंटलोगनाथस ठीक है रिप्रेजेंट अर्ली प्लैकोडर्म्स एंड डर्मल मार्जिनल जॉ बोन्स। तो अर्ली मार्जिनल जॉ बोन्स ठीक है प्रिमिटिव स्टेज में बनने शुरू हो गई थी इनकी ठीक है। एंड दीज एनिमल्स वुड सून रूल द सीज। तो हम डिवोनियन में आगे देखेंगे कि कैसे जो एज ऑफ फिशेस डिवोनियन को बोलते हैं वहाँ इनका सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका था ठीक है। तो बाय एंड ऑफ सिल्यूरियन मेनी फिशेस विद जॉज एंड रियल बोन्स वर स्विमिंग इन द वाटर्स ठीक है। तो बोनी फिशेस और कार्टिलेज फिशेस आ चुकी थी सिल्यूरियन के एंड में। और ये फिश है जो एंसेस्टर है बोनी फिश और कार्टिलेज फिश का, इसको अकन्थोड़ी भी बोलते हैं ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड स्पाइनी शार्क्स एंड शेयरिंग फीचर्स विद बोथ बोनी फिश एंड कार्टिलेज फिश ठीक है। तो ये शार्क के एंसेस्टर बोल सकते हैं हम इनको। और कार्टिलेज फिश को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट थाइस, और बोनी फिशेस को हम शायद बोलते हैं ऑस्टियो थाइस, कुछ ऐसे बोलते हैं, आप चेक कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं वेस्कुलर लैंड प्लांट्स की तरफ। तो हमने देखा था कि वेस्कुलर लैंड प्लांट आ चुके थे सिल्यूरियन पीरियड में, एंड वन ऑफ द जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो है कुकसोनिया। ये कुकसोनिया है ठीक है। तो इन्होंने आते ही अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया था ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ वेस्कुलर लैंड प्लांट का जो इवोल्यूशन हुआ था वो मच फास्टर था एनिमल इवोल्यूशन से उस टाइम पे। और एक वजह ये भी थी कि क्योंकि जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वहीं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो होते हैं उनमें उनमें रहने के लिए डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो होता है एक्सट्रीम होता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो इसलिए हो सकता है कि भाई जब लैंड प्लांट आए थे तो वो बहुत जल्दी इवॉल्व कर गए एनिमल्स थे, तो क्योंकि एनिमल्स उस समय मरीन ही थे एक्सेप्ट ऑर्थ्रोपॉड्स ठीक है। एक ऑर्थोपॉड जैसे न्यूमोडेस्मस जो हमने पहले डिस्कस किया है ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ सिलूरियन वेरी सिंपल एंड स्मॉल, बट जो प्लांट्स था लैंड प्लांट्स थे सिलूरियन के वो स्मॉल एंड सिंपल थे, कुछ सेंटीमीटर ही ज़्यादा बड़े नहीं थे, कुछ सेंटीमीटर ही लंबे थे। लेकिन डिवोनियन के एंड में क्या होता, सारे जो प्रेजेंट डे प्लांट की लीनियज है वो आ चुकी थी डिवोनियन पीरियड में, एक्सेप्ट फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट हमारे क्रिटिशियस में आए थे, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्लांट जो इम्पोर्टेंस था वो था ब्राग्मनाथिया ठीक है। ये फर्न टाइप का था, लाइको पोडिया फाइटा लाइकोपिड्स, इसके बारे में हम डिवोनियन में भी डिस्कस करेंगे। तो लाइकोपिड्स प्लांट्स मतलब हैड ट्रू लीव्स ठीक है। तो कुकसोनिया के पास लीव्स नहीं थी, ब्राग्मनाथियास पे के पास लीव्स थी, बहुत ही पतली पतली लीव्स देख सकते हो अब इधर ठीक है। बेरिंग अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज ठीक है। तो लाइकोस्पिड्स वर फर्स्ट लीनियज ऑफ प्लांट प्लांट्स टू इवॉल्व ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स मतलब जाइलम जाइलम एंड फ्लोएम जो आजकल होता है वेस्कुलर प्लांट्स में। तो इन्होंने ही इवोल्यूशन करना स्टार्ट किया दिया था ठीक है। तो ट्रू लीव्स लार्ज स्ट्रेचर ठीक है, तो ऐसा कुछ था। तो ये ज़्यादा बड़ा था कुकसोनिया से, तो आपको इतना ध्यान रखना है ठीक है। फिर कोरिलेशन की बात करें तो ग्रेप्टोराइड्स इम्ब्रैकियोपॉड्स कॉनोडॉन्ट ठीक है, ये सारे इंडेक्स फॉसिल्स यूज किए गए हैं सिल्यूरियन स्ट्रेटा की कोरिलेशन में। साथ ही साथ आइसोटोप स्ट्रेटिग्राफी का भी यूज किया गया। तो आज का क्वेश्चन ये है कि अगर ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16 का रेशियो हाई है ठीक है, हाई वैल्यूज ऑफ O18 टू O16 रेशियो इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कैसा क्लाइमेट रिप्रेजेंट करता है हाई वैल्यू अगर O18 और O16 की होगी तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो हम शुरू करेंगे डिवोनियन पीरियड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक। थैंक यू।